हेलो नमस्ते। आज का टॉपिक है अधिक सोने वाले हो जाए सावधान। ये भी हम बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति 8 घंटे या 7 घंटे से अधिक सोता है वो सावधान हो जाइए, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति दिन में 1/2 घंटे से अधिक सोता है वो भी हो जाए सावधान। क्योंकि इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा नींद के बारे में बताया जाएगा, जो व्यक्ति अधिक सोता है उनको क्या क्या बीमारी हो सकती है या किन किन प्रकार के फ्यूचर में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में जानते हैं। आपने पहली बार चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अधिक सोने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 9 घंटे से ज्यादा की नींद लेते हैं तो सावधान हो जाइए। 9 घंटे से ज्यादा की नींद कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकती है। इसमें हेल्थ से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है, जैसे थायराइड हो सकता है, इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, अन्य भी कई समस्याएं हो सकती है। डिप्रेशन एक वजह हो सकती है, क्योंकि एक जो वयस्क शख्स होता है उसे 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। क्योंकि अगर आप ज्यादा सोते हैं तो दिमाग की जो नलिकाएं होती है, दिमाग की जो मांसपेशियां होती है वो सिकुड़ने लगती है, और ऐसे में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा नींद लेने के बावजूद भी आपको दिन में छपकी आती है, दिन भर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो इसके लिए आपको अपना स्लीपिंग टाइम ठीक करने की जरूरत है। आपको मोबाइल गैजेट से एक तय समय के दूरी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं तो आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। 11 से 12 साल तक के बच्चों को 10 घंटे से ज्यादा की नींद उनके लिए ठीक होती है, लेकिन बड़े लोगों के लिए 9 घंटे से ज्यादा की नींद खतरनाक हो सकती है। अब हम ये जानते हैं कि आपको दिन में भी नींद लगती है तो, या दिन में आप सोते हो तो आपको किस टाइप की बीमारी और किस टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में जानते हैं। अगर दिन में सोना आपको पसंद है तो जागने का वक्त आ चुका है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप दिन में लंबी नींद लेते हैं तो इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट्स कहती है कि दिन में 30 मिनट की पावर नैप लेने से शरीर को फायदा तो होता है, लेकिन अगर आप 30 मिनट से थोड़ा भी ज्यादा सो लेते हैं तो इससे आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हाई BMI, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और तो और हार्ट डिजीजेस भी हो सकती है। यही नहीं, दिन में सोने से आपकी रात की नींद भी खराब हो सकती है, इसलिए दिन में 30 मिनट से ज्यादा ना। अब आपको पता चल ही गया हो कि 7 से 8 घंटे से अधिक सोते हो आप, तो आपको किस टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में पता है। अब दिन में आपको नींद लगती है या दिन में अधिक सोते हो तो आपको किस टाइप की बीमारी हो सकती है इसके बारे में पता है। आपको अभी जो बीमारी है सोने की, ये 2 रीजन से। एक, आपका बॉडी जो है वो आप उसे प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं प्रॉपर, शरीर में दम रहना चाहिए, नींद कम आएगा। दूसरा एक और चीज है, आप अपनी टाइम साइकिल खराब कर लेते हैं, कभी 12 बजे सोएंगे कभी 1 बजे सोएंगे। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ा वाला चीज़ है। थोड़ा हीमोग्लोबिन आपको बढ़ाया है, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और RBC ये सब देखा है। ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।